ठीक है, अमिताभ ओझा हमारे साथ बने हुए हैं, सीधा रुख करते हैं। अमिताभ जरा बताएं क्या हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि अब जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी उसे पर्दे पे उतारने का वक्त आ गया है, जिसमें पहला सीन कंप्लीट हो चुका है, नीतीश कुमार इस्तीफा दे चुके हैं। दूसरा सीन बीजेपी ने उप मुख्यमंत्री तय कर दिए हैं, अब दोबारा राज्यपाल के पास जाएंगे, क्या जानकारी आपके पास? देखिए बिल्कुल संजय झा पैगाम लेके पहुंचे, नीतीश कुमार का संदेश लेके पहुंचे थे बीजेपी दफ्तर में, और वहां उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और उसके बाद तमाम जो पार्टी के विधायक हैं वो सीएम आवास पहुंच चुके हैं। यानी कि अब यहाँ एनडीए के जो बीजेपी के तमाम जो विधायक हैं और जीतन राम मांझी की पार्टी के विधायक हैं वो सीएम आवास पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, अब ये राजभवन के बाहर का जो राजेंद्र चौक है वहाँ की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि अब यहाँ सरगर्मी बढ़ गई है, पुलिस की मुस्तैदी बढ़ गई है, और कुछ दिन में जो शाम का जो प्रोग्राम है, फिलहाल यहाँ से तमाम जो एनडीए के विधायक है, अभी एक ज्वाइंट मीटिंग होनी है एनडीए विधायक दल में, जिसमें नीतीश कुमार भी संबोधित करेंगे और बीजेपी के नेता भी संबोधित करेंगे। देखिए इससे पहले सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को विधानमंडल दल का नेता और उपनेता चुना गया था, और उसके बाद दोनों वहां से एक ही गाड़ी में संजय झा और सम्राट चौधरी बैठकर यहां सीएम आवास पहुंचे हैं, और पीछे से तमाम जो पार्टी के विधायक हैं वो यहां पे पहुंचे हैं, और यहां अंदर में उनकी बैठकें चल रही हैं। और इस बीच अभी से कुछ देर के बाद ही अब जो बीजेपी नेताओं के साथ हैं राजभवन की ओर जाएंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन की ओर जाएंगे, और उसके बाद वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। उनके पास उनके साथ जो जीतन राम मांझी की पार्टी हम के उसके भी नेता होंगे, और उसके बाद जो तैयारियां, देखिए बैरिकेडिंग यहां शुरू कर दी गई है, जो बैरिकेडिंग है जो सीधे मुख्यमंत्री आवास से 100 मीटर की दूरी पर जो सामने राजभवन है वहां बैरिकेडिंग शुरू कर दी गई है, और यहां से वो निकलेंगे और सीधे राजभवन को जाएंगे और वहां पे सरकार बनाने का जो दावा है वो पेश करेंगे, और आज शाम में ही जो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है, देखिए हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कार्ड भी छप चुका है, कुछ देर में वो मीडिया सहित तमाम जो विशिष्ट अतिथि हैं उन्हें दिया भी जाने लगेगा, और अब उसके बाद जो पूरी तैयारी, देखिए जिस तरीके से बैठक हुई, बैठक में पहले जो नाम चल रहा था सुशील मोदी का हो, रेणु देवी का हो, और जो कई नाम चल रहे थे उन सब के बीच अब ये साफ हो गया कि सम्राट चौधरी को विधानमंडल दल का नेता और उपनेता विजय सिन्हा को बनाया गया है, जबकि जो फिलहाल सम्राट चौधरी बीजेपी के प्रदेश भी हैं। तो बिल्कुल अमिताभ, जैसा कि आप बता रहे थे कि पूरी की पूरी पटकथा लिख जा चुकी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए आज ही इस्तीफा सौंपा है नीतीश कुमार ने, और आज ही आपको बता दें शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। जी हाँ, और उसकी भी पूरी तैयारी हो चुकी है, और आपको बता दें कुछ ही देर में एनडीए की बैठक होगी सीएम आवास पर, यह बैठक होगी, तमाम वरिष्ठ नेता पहुंच रहे हैं और जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद होंगे। हालांकि आपको ट्वीट भी दिखा रहे हैं, देखिए आरजेडी, जी हाँ आरजेडी को एक बड़ा झटका लगा है, हालांकि आपको बता दें इसके बाद नीतीश कुमार को लेकर ट्वीट किया है रोहिणी आचार्य ने, और ये ट्वीट आप देख सकते हैं कि सियासी हलचल के लिए बहुत बड़ी बात है, सीधे तौर पर निशाना साधा है और लिखा है कि देखिए कूड़ा मंडली को बदबूदार, कूड़ा मुबारक हो, लोकसभा चुनाव से पहले ये बड़ा सियासी उलटफेर सामने आया। अंजलि, इसमें यह था कि अभी तक जब तक नीतीश कुमार ने इस्तीफा नहीं दिया था तो खुलकर कोई भी अभी कुछ नहीं बोल रहा था, अब लग रहा है कि ठेस पहुंची है। तेज प्रताप यादव का ट्वीट आया जिसमें कह रहे हैं भावनाओं को ठेस पहुंची है। अब रोहिणी ने तो नाम नहीं लिया है लेकिन इशारों में कड़ा प्रहार किया है। बिल्कुल रवि, लेकिन आपको याद होगा कल भी अगर तेजस्वी की बात करें तो तेजस्वी ने कहा हम सम्मान करते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं चांसेस थे आरजेडी को, अब बड़ा झटका लग गया है क्योंकि एक उम्मीद थी कि शायद कुछ हो सकता है, कुछ समीकरण बदले जा सकते हैं, लेकिन फाइनली जो कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति में फिर से एक बार नीतीश कुमार पलटते हुए और अब एनडीए का दामन थाम लिया है, और इसे लेकर देखिए लगातार ट्वीट भी आ रहे हैं, पहले तेज प्रताप यादव ने ट्वीट किया और अब रोहिणी आचार्य ने भी ट्वीट किया, तो लगातार समीकरण बदल रहे हैं, सियासी परिस्थितियां बदल रही है।